गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आज है 17th ऑफ सितंबर और हम निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए, क्योंकि बॉम्बे से हमारी कल की फ़्लाइट है मालदीव्स के लिए. तो बहुत टाइम के बाद हमारा एक बहुत ही अच्छा प्लान बना है और काफ़ी टाइम से हम ये सोच रहे थे, बट लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया लास्ट ईयर, और इस साल भी बहुत सारे काम है. इवन अभी आने वाले टाइम पे भी हम फिर से बिजी हो जाने वाले हैं, लावण्या का एडमिशन्स एंड ऑल. तो हमने सोचा अभी थोड़ा सा जो टाइम मिला है इसमें हम जल्दी से कहीं एक विज़िट करके आ जाते हैं. तो बस हम जा रहे हैं. तो कल हमारी फ़्लाइट है 10:30 की मुंबई एयरपोर्ट से. तो हम पुणे से हमने सोचा एक दिन पहले ही चले जाते हैं, वाई टू टेक चांस हम टाइमली वहाँ पे पहुँच जाएँ और सब कुछ अच्छे से हो जाए. तो बस हम आज अभी निकल रहे हैं, 11 बजने वाले हैं और बस हम मुंबई के लिए अब निकलने वाले हैं. ये रही लावण्या, ये अपना वीडियो शूट कर रही है तो मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ. तो चलो निकलते हैं. तो लावण्या, आर यू एक्साइटेड फॉर मालदीव्स? ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. और सच कहूँ तो लावण्या की वजह से ही ये प्लान बना है, यही पीछे लग लग के इसने बनवाया प्लान, वरना हम तो लास्ट ईयर से बस प्लान ही कर रहे हैं, हो नहीं पाता था मटेरियलाइज, तो लावण्या की वजह से हुआ है. तो मैं, लावण्या एंड लक्ष्य जा रहे हैं. बाय द वे बता दूँ कि ज्ञान नहीं जा रहा है, ज्ञान को ऑफिशियल परमिशन नहीं मिलती है, वो आर्मी में है तो बहुत सारे लीगल चीज़ें होती हैं जो कि नहीं हो पाती हैं पॉसिबल, तो वो नहीं जा पाएंगे. हम तीनों जा रहे हैं, बट यस हम ज्ञान को मिस तो करेंगे, बट यार ठीक है, हम इंजॉय करने वाले हैं बहुत ज़्यादा. यस, थोड़ा सा मतलब खुद करेंगे इस बार, खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे. हाँ, बट हर बार तो पापा ही करते हैं. हर बार ज्ञान के ऊपर हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इवन अभी भी हम लोग डरे हुए हैं तीनों ने कि हम लोग कैसे मैनेज करेंगे. हमने कहा ज्ञान फ़ोन सामने ही रखना, बार बार शायद हम फ़ोन करेंगे, बट लेट्स सी. सब कुछ हमने एकदम अच्छे से अरेंज करके रख लिया है और बस तैयार हैं जाने के लिए. Look up from your telescope, take me on this journey home, I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on the soon. Hey guys, so आज है 18th of September और हम लोग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, टर्मिनल 2. और अब 10:30 हमारी यहाँ से मालदीव्स की फ़्लाइट है जो कि 1:00 वहाँ पे पहुँच जाएगी. तो बस सब कुछ, सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी है, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं. और हमने एक छोटी सी शॉपिंग भी कर ली है लावण्या ने, ये विक्टोरिया सीक्रेट की, और लावण्या अपनी स्टोरीज़ वगैरह बना रही है. सो मालदीव्स पहुंच गए हैं हम. तो ये है माले एयरपोर्ट और अब हम यहाँ पे उतरे हैं और अब हमारी स्पीड बोट वहाँ पे आ चुकी है और अब हम उसी के थ्रू अपने रिसॉर्ट तक जाएंगे. हम जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं तो इतना ब्यूटीफुल व्यू मिला है, क्यों लियो भाई. तो इतना साफ पानी तो मतलब मैंने तो कहीं नहीं देखा यार, ना मतलब लिटरली ब्लू है, ब्लू बहुत ही ब्यूटीफुल. तो ये है हमारी स्पीड बोट जिससे हम लोग रिसॉर्ट तक जाने वाले हैं. शाम के बज चुके हैं, कितने हो रहे हैं, 5:30, और हम अपने रूम में चेक इन कर चुके हैं और अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं. यहाँ पे रेस्टोरेंट है और यहाँ पे अभी स्नैक्स टाइम है, तो हम लोग भी लगी थी हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं थोड़ा बहुत स्नैकिंग करने के लिए. सो वी आर हैविंग वर्जिन पीना कोलाडा मिक्स फ्रूट मॉकटेल और ये लक्ष्य ने लिया है ड्रिंक एंड हमने थोड़ी बहुत स्नैकिंग की और इतना ब्यूटीफुल व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ. लुक एट दिस, इतना ब्यूटीफुल व्यू है मैं बता नहीं सकती. मुझे तो गोवा के बीचेस ही सबसे अच्छे लगते थे, बट यहाँ के बीचेस आके अब मैं भूल चुकी हूँ सारे बीचेस. सी
बहुत ही अच्छा। लावण्या कैसा लग रहा है? लावण्या लावण्या कोई जवाब नहीं देना चाहती, लावण्या सिर्फ स्टोरी बना रही है तब से। एंड लक्ष्य वहाँ कुछ लेने के लिए गया खाने के लिए। तो ये बेड है और ये इस रूम का हाईलाइट है। बहुत ही प्यारा सा बेड है ये। पीछे की तरफ एक पेंटिंग है जिसमें फिशेस बनी हुई हैं। ये है साइड टेबल विद ब्यूटीफुल टेबल लैम्प, ग्रीन कलर कर्टन्स, और वो है हमारा प्राइवेट पूल जिसमें हम अभी जाने वाले हैं। ये एंट्रेंस है, यहीं से हम एंटर हुए हैं। वुडन फ्लोरिंग और ये एक छोटा सा यहाँ पे सिटिंग भी है। कॉफ़ी टेबल है, ब्यूटीफुल सा कारपेट लगा हुआ है। तो ये है, ये एक छोटा सा यहाँ पे मिरर है, लवली। और ये है टीवी एरिया, और अगेन यहाँ पर एक सिटिंग है, बीन बैग लग रहा है ये मुझे। अगेन यहाँ पे भी एक साइड टेबल है विद ब्यूटीफुल हैंगिंग लैम्प। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये है ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हो, यू कैन चेंज। ये है वॉशरूम, ब्यूटीफुल। और ये है ओपन शार, ये देखो ये शार लगा हुआ है, ये शार एरिया है। वो है टब, इफ यू वांट यू कैन हैव बाथ इन टब आल्सो, टब में नहा लो। तो ये है बाथरूम और वो है टॉयलेट एरिया। तो हमने काफ़ी देर पूल में मस्ती कर ली है, अब निकलते हैं बीच की तरफ। तो ये देखो ये है बीच व्यू। तो ये जो व्यू आप देख रहे हो बिल्कुल हमारे रूम से निकलते ही है। इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना ये, ओ माय गॉड। हाँ रियली really।